नमस्कार, आप देख रहे हैं U22 टुडे और इस वक्त मैं गांधी मैदान में। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और इस अवसर पर आज बेरोजगार विकलांग अपने मांगों को लेकर जो अनियोजित कृपालक सहायक संघ है लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। और इसी क्रम में आज गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और जानते हैं विकलांग जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है अनियोजित कृपालक सहायक आखिर उनकी समस्या क्या है। देख सकते हैं कि आज बैनर लेकर आज गांधी मैदान में पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आपका? अजीत हम आत्महत्या करेंगे, हमको नियोजित करना है तो नियोजित करें, जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम ठोस कदम उठा के हम परिवार से अकेला का व्यक्ति है और अकेला परिवार को पूरा लगाते हैं। मेरे पिताजी वो भी विकलांग है, वो भी काम करते नहीं है और हम अकेला परिवार कितना काम करेंगे। सारा लोग हम लोग को दुख से दुख की निगाहों से देखता है, जहाँ भी जाते हैं हमको गिरफ्तार ही मिलता है, हमको कहता है समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, हर एक शोषित वर्ग हमको शोषित करता है। जितने भी वर्गों के लोग हैं सब लोग कहता है कि ये देखो विकलांग आ रहा है, लंगड़ा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, कोढ़िया आ रहा है, अंगड़ा आ रहा है, सबको शोषित करता है, सब लोग शोषित करते हैं और हम लोग शोषण हो रहे हैं। हम लोग इसी के तहत आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर आए हैं पटना गांधी मैदान। हम लोग पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समाज में, लेकिन हम लोग के पास कोई न सुनता है न कोई कहने वाला है। जो भी बोलेगा और पूरे परिवार आत्महत्या करेंगे। एक बात बोलना है, मैंने वर्ष 2000 में कृपालक सहायक का एग्जाम दिया, जिलेवार जिला अधिकारी महोदय द्वारा एग्जाम लिया गया, जिसने मैंने बावजूद हम लोग का नियोजन नहीं हुआ। समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए दिव्यांग जनों को सबसे पहला उत्तम अति आवश्यक है कि रोजगार चाहिए। जब तक ले रोजगार नहीं मिलेगा तब तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा। समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए रोजगार अति आवश्यक है। समाज के हर वर्ग पढ़ा जाएगा, अगर जब तक उसका रोजगार नहीं मिलता तब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं जुटेगा। केवल 400 कुछ होने वाला नहीं है, समाज में तो हीन से देखा जाता है, इसलिए कोई भी विकलांग को सबसे पहले उसको रोजगार चाहिए, तभी समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकता है। कोई भी विकलांग इस तरह के अपना पालन पोषण चलता है, सामना करता है, इसके लिए सरकार क्या सुनती है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का एप्लीकेशन द्वारा बिहार दिव्यांग कृपालक सहायक का जल्द से जल्द पंजीयन कराया जाए। अपने मांगों को लेकर सरकार के यहाँ आए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस में हम सरकार से मांग यही करते हैं कि हम लोग विकलांग जितने भी अनियोजित कृपालक सहायक का दिव्यांग करने के लिए
के आ रहे हैं। जितना जल्दी मैं रवि कुमार मैं निश्चित 2018 में हम लोग का मतलब ये हुआ था, क्रिमिनल लिस्ट बना था का 2018 में परेशान है मुख्यमंत्री लोग जहाँ जो भी है सब प्रशासन विभाग जा जाके परेशान हो गए। हम लोग का जो हुआ है BPSM से उससे सबको ज्वाइनिंग दे पास और कुछ नहीं चाहिए।